अभी हम लोग करुंजन माउंटेन्स में आ गए हैं और आगे जा रहे हैं। करुंजन माउंटेन्स में कोई आबशार वगैरह वो देख रहे हैं। पीछे एक चेक पोस्ट आई थी तो वहाँ से मैंने एक लोकल बच्चे को बिठा लिया। उसके बाद हम करुंजन के लिए एंटर हो गए थे तो उसने वीडियोज़ वगैरह बनाई हैं पीछे बैठ के। बाकी ये बिल्कुल चेक पोस्ट पर बच्चा था, ये जा रहा, इसको हमने बिठा लिया था। अभी हमें आगे लेके जा रहे हो, पॉइंट्स वगैरह कुछ करवा देगा क्योंकि यहाँ का सीन ये पहले मैं नहीं आया हुआ तो इतना आइडिया नहीं है, हाँ नहीं है, तो इससे ये एक लोकल बंदा साथ है, इसको कुछ दे देंगे खर्ची, जेब खर्ची। और बाकी अब चलते हैं आबशार चेक करते हैं। और एक जो चेक पोस्ट आई थी वो वहाँ पे उन्होंने दोबारा पूछा कि आपके पास कोई गोप्रो वगैरह कुछ है, तो हमने बोला नहीं है। बाकी जो पीछे रास्ता था बड़ा ही कोई खूबसूरत था, बहुत सीनिक रूट था। अब चलते हैं आगे और करुंजन माउंटेन्स को इन्जॉय करते हैं। पानी तो यहीं से आना स्टार्ट हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें। आबशार के रास्ते में भी एक मंदिर बना हुआ है, ये जा रही सीढ़ियाँ और ये रहा मंदिर। सीढ़ियाँ भाई बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन सीढ़ियाँ हैं वरना तो सिंपल ये हाइकिंग करनी पड़ती। तो चलते हैं अब ऊपर और देखते हैं आबशार के सीन्स। कहाँ खड़ा होता ये मुश्किल सा रास्ता है, इस पर ट्रैकिंग हमारी चल रही है। आ गया भाई, मैं आ गया। ओए ओए ओए, तो एक ये छोटी आबशार आ गई और ये आगे एक पॉन्ड बना हुआ है, मगर ये तो गंदा है तो हम लोग थोड़ा और ऊपर जा रहे हैं। और हाइकिंग भी अब काफ़ी मुश्किल हो गई है, हाइकिंग आप ये समझ लें अब रॉक क्लाइंबिंग में बन गई है। और अगर ये लोकल बच्चा ना होता ना हमारे साथ तो हम नहीं पहुंच पाते यहाँ पे, मगर ये लोकल बच्चा है हमारे साथ तो ये हमें लेके जा रहे हैं आगे आगे। हम इसके पीछे जा रहे हैं और सही कैलोरीज बर्न हो रही हैं आज, VIP एक्सरसाइज हो रही है। और ये पत्थर ऐसे हैं, अभी जो मैं लास्ट पॉइंट किया था खुजदार में हनारी सासुल, वैसे ही पत्थर हैं। खैर चलते हैं आगे, व्यू और अच्छा हो रहा है। तो फुल जंगल में आ गए हैं, फुल जंगल वाली वाइब आ रही है और ठंडक है यहाँ पे, हरियाली की खुशबू भी है। अच्छा ये बच्चा बता रहा है कि जब बारिश होती है तो इस सबसे भी पानी गिरता है, और ये लग भी रहा है कि हाँ इनसे पानी गिरता होगा। जो व्यू होता होगा मैं माइंड में इमेजिन कर रहा हूँ, बहुत खूबसूरत व्यू होता होगा। तो ये है वो आबशार और एक छोटा सा पॉन्ड। अभी बारिश की वजह से जो है यहाँ पर पानी कम है, मतलब कम बारिश हुई है इस वजह से। जब ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ पर अच्छा खासा पानी होता है, वही ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। पानी बड़ा है इधर और पानी यहाँ गहरा है। हाँ। अच्छा ये कह रहे हैं यहाँ पानी बड़ा है, मतलब यहाँ पर पानी काफ़ी डीप है। खैर अब चलते हैं वापसी। तो वापसी आ गए हैं और बहुत सांस फूली है, बहुत गर्मी लगी है, सही कैलोरीज वगैरह बर्न हुई हैं। अब चलते हैं बॉर्डर की तरफ, बॉर्डर पे भी एक मंदिर वगैरह है, लेकिन मेन हमारा जो वो है पर्पस है वो बॉर्डर देखना है क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है। तो जल्दी से बॉर्डर की तरफ निकलते हैं, बॉर्डर यहाँ से तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर दूर है। बगैर टाइम वेस्ट किए बॉर्डर पे चलते हैं और आपको भी बॉर्डर पे लेके चलते हैं। ये रहा सामने इंडिया, बहुत दूर खड़े हैं लेकिन ये सामने इंडिया का बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है। और यहाँ पर ये ऊपर, फिर ये एक मंदिर है चुड़िया मंदिर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रहा पीछे बॉर्डर हिंदुस्तान पाकिस्तान का, वो दूसरी तरफ इंडिया है, इस तरफ पाकिस्तान है। और यहाँ पर एक टेंपल भी है,
दिन में आए आप लोग, दिन में इस जगह पे ये है कि आप लोगों को बॉर्डर वगैरह ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा, बाकी इस जगह पे ऐसा कुछ नहीं है, बस ये एक बॉर्डर है। बॉर्डर आप लोग देखें, फेंसिंग देखें, आर्मी होगी दोनों तरफ, आर्मी वहाँ पर चल रही होगी, तो कुछ इस तरह का है। बाकी ये ट्रैक बहुत ऑफ रोड है, मतलब एक्सट्रीम भी कह सकते हैं, मज़े का भी कह सकते हैं। ट्रैक इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा जल्दी पहुँचना था, तो ये समझ लें कि अगर आप ऑफ रोड लवर नहीं है, ये ऑफ रोड से आप लोग भागते हैं तो आप लोगों को 2 घंटे लगेंगे उसको करने में, 2 से 2.5 घंटे। मगर अगर आप लोग ऑफ रोड के शौकीन हैं मेरी तरह, तो ये आप लोग 40 मिनट में भी उस ऑफ रोड को निपटा सकते हैं। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा जगह को देखते हैं, बॉर्डर देखते हैं, और फिर ये इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे चाय वाय पी के। वापसी में ये मैं आपको थोड़ा सा रास्ता दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को एटलीस्ट एक रफ आइडिया हो सके कि किस तरह का ऑफ रोड है। सवा 10 बज रहे हैं और वापसी हम लोग नगर पार कर आ चुके हैं। अभी फ्यूलिंग के लिए रुके हैं, मैं तो अपनी बाइक में नहीं डलवा रहा क्योंकि मेरी बाइक में आधी से ज़्यादा है अभी, और बॉर्डर अच्छा था, वापसी में ड्रॉप हो गया, लाइट हो चुकी है, तो बस चलते हैं गेस्ट हाउस में। पीछे हमने खाना खा लिया है, बस गेस्ट हाउस में जाना है और सोना है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ही कर रहा हूँ एंड, इंशाल्लाह गेस्ट हाउस मैं आपको सुबह दिखाऊंगा, उसकी तमाम डिटेल्स, कितने का पड़ा, कैसा था, कैसा एक्सपीरियंस था, वो सब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।